अस्सलाम वालेकुम जी मेरे सुनने तो देखने वाले सोने भैनों भराओ इनको वालदे प्लेटफॉर्म तो सारा मेज़बान अब्दुल वहीद बिस्मल एक नवे प्रोग्राम इनको सकाफत के नाल साड़ी खिदमत में हाज़र है। तो अज तुस नाल इनको सकाफत यानी जिस असी इनको भी रैतल भी आखते हाँ यानी अपना तर्ज रहन सहन जोड़ा है उसके हवाले नाल जड़ियाँ जरूरी जरूरी चीज़ा हैं उन्होंने बारे भी तुस नाल असी वारो वारी गलबात करसा। तो अज साड़ा प्रोग्राम है नाड़े ते नाड़ा अस इस वास्ते पहले प्रोग्राम भी सिलेक्ट किया कि इंसानी जिंदगी की सब तो बड़ी जरूरत खाना तो पीना है। जिंदा रहने वास्ते खाना तो पीना बहुत जरूरी है और पीने वास्ते साफ सुथरा पानी बड़ी जरूरी चीज़ है। तो नाड़ा एक जी जा है जिस तो असा साफ सुथरा पानी मिल लगता है। ये ग्रां देहात है ये जब्बा ना है इस जाई का जिस विच असी खलते दे हाँ और इस उत्ते तुसी ये देखते हो ये पानियां दा एक नाड़ा है जिस विच साफ सुथरा शफाफ पानी मुसलसल बगदा पिया और इसके पिछे कर कैमरा लग सी तुसी देख सो कि पानी पिछो ढाके विचों आंदा है तो अगे आन के ये बंदियां दे भांडियां विच भरने वास्ते नाड़ा लाए दे लोगों से अपनी जरूरत को पूरा करने वास्ते तांजे भरने में परेशानी ना होवे। ये पानी डायरेक्ट भांडे इसके तले कड़ा रखो या गागर रखो या कोई और भांडा रखो तो पानी डायरेक्ट उस विच आंदा जुलदा है। अच्छा नाड़े की अहमियत का अंदाज़ा उन्होंने लोगों ज़्यादा हो सकता है जिहड़े लोग ग्रामां देहातां विच रहिंदे होवन ते जिन्हां ग्रामां विच हले नलके ना आए होवन जिन्हां विच वाटर सप्लाई स्कीमां ना होवन उन्हां नाड़े की अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा हुंदा है। साडे इस ग्राम विच वाटर सप्लाई स्कीम ते बड़े जमाने तो सन 74 तो वाटर सप्लाई स्कीम आई दी है जिस दे तहत लोगों ने घरां घरां पानी नलकों का पानी मौजूद है। लेकिन फिर भी ये नाड़ा हाले तक आबाद है क्यों कि नाड़े का साफ सुथरा शफाफ और ताज़ा पानी जो गर्मियों में इंतहाई ठंडा होंदा है तो स्याले में बहुत सारा गर्म होंदा है। इस स्याले में आओ तो इतने हवाना चढ़दियां उड़दे परदे वो गर्म पानी होंदा है। ये पानी लोग अक्सर अपने घरां भर के पीने वास्ते खड़दे न ते बाकी कपड़े धोने या दीगर इस्तेमाल वास्ते बाकी पानी भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जिहड़े लोग बहुत दूर हैं जिहड़े नाड़े ते नहीं पहुँच सकते वो फिर नलकों का पानी पींदे भी हैं उबाल के पीने या जिस तरह भी पीने वो भी पीने तो नाल इस्तेमाल भी करते हैं। नाड़े की एक अपनी अहमियत है। नाड़ा एक वक्त में बंदे का जमा होने का ग्रां के लोगों का इकट्ठा होने का एक मुकाम है। उस मुकाम पर जो लोग आते हैं इतने कदे 40 आदमी 50 आदमी अपने अपने घड़े तो डोलियाँ घेन के बैठे दे होन ते सारे घड़े एक ही वारा नहीं भरन होंदे अपनी अपनी वारी ते हर बंदा पानी भरदा है और जिहड़ा टाइम उस अपनी वारी ते आने तक लगता है उस दे दौरान वो दिहाड़ी ग्रां विच होने वाले दुख सुख एक दूए नाल साड़ियां मावां भैणां भी इत्थे होंदियां ही आ साढ़े बड़े ताए चाचे मामे बड़े बडेरे जिहड़े हैं वो भी मतलब ना आंदे ते एक ही पासे मतलब ना औरतों का मतलब बहना होंदा है ते दूए पासे मर्दां दा मर्द जरा थोड़े जे हट के बह रहिंदे औरतां जिहड़ियां उन्हां पहले पानी भरन देंदे जदों औरतां पानी भर के टुर जुलदियां ही फिर मर्दां दी वारी आंदी ते मर्द फिर आपे भांडे भर के सिरे ते चांदे ते टुर जुलदे जिहड़ा टाइम इत्थे पानी भरने तक लगदा आ उस दौरान वो दिहाड़ी दे हफ्ते दे पहले मुलाकात तो दूई मुलाकात के दरम्यान गुजरे के वेले के दरम्यान जड़ियाँ तब्दीलियां आनियां ग्रां के अंदर कोई नवी गल हो गई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया या कोई मतलब ना किसी के घर कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम बन गया दिहाड़े रखे गए या कुछ हो गया उन्होंने चीज़ा इत्थे बह के एक दूए नाल शेयर करते डिस्कस करते एक मिल बहने का एक मुकाम है। नाड़े की अहमियत इस हवाले नाल भी यही कि इतों असी इंतहाई साफ इंतहाई सुथरा पानी जो वो अपनी सेहत वास्ते वो अपने खाने पीने वास्ते लेके जाने हैं जिस दी वजह तो अजकल दियां जिहड़ियां मुतअद्दद बीमारियां जिहड़ियां पानियां दी वजह तो फैलने वाली बीमारियां उन्हां कोलों लोग महफूज रहंदे। एक कुदरती पानियां दा चश्मा है। अच्छा इसी दे नाल नाड़े दे नाल नाल त्रै चीज़ां नाड़े दे नाल नाल होर भी होनियां ग्रामां देहातां विच जिहड़ी खूही टंड जबड़ा ते कट्ठा 4 चीज़ां हो गई ये भी पानियां दे जरिए लेकिन हर एक की शक्ल उसका मुकाम उसके फायदे उसका इस्तेमाल आपड़ा आपड़ा है। खूही असी उस जाई आते हैं जिसमें पानी ढाके विचों उमदा होवे लेकिन उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा ना होवे। वो एक अगे एक टोआ बनाया जुलदा है, उस टोए में पानी जो है ना वो आन के जमा होंदा रहिंदा है। फिर उस विचों पानी कटोरे नाल या किसी और भांडे नाल भर के ते आपणियां भांडियां विच पा के तो उस तरह खड़दे, लेकिन खूही का पानी अमूमन नाले कोलों थोड़ा होंदा है। बस खूहियां मुझ बड़ियां भी होंदियां लेकिन खूही का अक्सर यह है कि खूही विच पानी नाले की तरह नहीं भरिया जुलता, बल्कि खूही विचों पानी बोका डबो के ते आपणे घड़े विच या भांडे में पाया जुलता है। इस तो बाद दूई चीज़ दूई ये जी पानिया की ठंड होंदी है जिहड़ी अक्सर कट्ठे के पानिया को थोड़ा जा एक साइड से जुल के थोड़ा जा पानी टोए विच नीवीं जाई विच जमा हो जुलता है तो वह खूही कोलों थोड़ा जा वड्डा होंदा जिहड़ा इलाका, उस आखदे हां ठंड। ठंडा का पानी ज़्यादा देर एक ही जाई में खलता रहता है। इसी वास्ते इनको एक मुहावरा भी है कि एक ही ठंडा में पानी भी त्रक जुलता है, यानी एक ही जाई तो पानी का काफ़ी देर रहता है फिर वो पानी बेकार हो जुलता है। ठंड तो इलावा एक जबड़ा है, उस तो भी इसी को फोटो भी तस्वीर भी दसने की कोशिश कर सा लेकिन किसी और प्रोग्राम में। अगरचे आजकल जबड़े मौजूद नहीं लेकिन जबड़े की अहमियत आपकी जाई तो बाकी है। जबड़ा लोग इस तरह करते कि आपने कोठियां दा मिट्टी छत कोठे होंगे, कोठियों तो जो पानी होंदा है उस एक कट्ठी काढ़ के अगे जी नीवीं जां होंदी उत्थे एक बड़ा सारा एक तालाब के तौर पर खुण के एक बड़ा सारा टोआ बनाते जिस विच पानी कोठियां दा नक्के नालों जो पानी आंदा है कस्सी विचों बारिशों का पानी उस जमा करते फिर वो कुछ अरसा नवीं बारिश आने तक जानवरों के पीने वास्ते भी इस्तेमाल होंदा है ते और छोटे मोटे कामां दे इस्तेमाल विच भी आंदा है। लेकिन जबड़े का पानी साफ नहीं होंदा या वह पीने के काम नहीं आंदा है जी। कट्ठा कट्ठा या कस्सी दो ये चीज़ां भी साढ़े इलाकों में मतलब इन्हें मौजूद ने। कस्सी ये जिस तरह नालों जुलदी है पई ये हुण कैमरा लगता है ये पे दसदे ने ये कस्सी है, ये सारी की सारी ये जब्बे की कस्सी पे तुसां दस रहे हैं साढ़े कैमरामैन साहब। ये तुसी देख सकते हो कि दोवां पहाड़ों के दरम्यान पानिया का तंग जिहा राह है जिस विचों पानी बारिशों के बाद या बारिश आती है जिस वक्त तो पानी रारो पारो जमा होकर इस कसी विचों लै के तो सीधा अगे चला जुलदा है। जिहड़ा पानिया का बड़ा राह है उस कट्ठा आखते हैं। कट्ठे मुझ बड़े भी होने ते लोके लोके भी होने। मुझ बड़े कट्ठे जदों एक अपनी मुनासिब मकदार तो उत्ते होने तो फिर उसमें पानी भी ज़्यादा होंदा है, फिर वो नदी का रूप धार के होंदा है और नदी बददी है उसमें पानी जमा होने होने फिर वो दरिया बन जुलती है। ये कुदरती निज़ाम है जिस दे तहत बारिश का पानी पहाड़ों ते वस के लोगों की जरूरत पूरी करके फिर जो फालतू बचता है वह मुड़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्ह कस्सियाँ खड़पियाँ विच हो के कट्ठियाँ विच हो के नदियाँ विच हो के दरियावां विच हो के समुद्र तक पहुँच जुलता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, सुभान अल्लाह। जी आज का प्रोग्राम इनको रहतल इनको सकाफत आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम में पहुँचता है। अगले प्रोग्राम में फिर साढ़े नाल गलबात होसी। इजाज़त दो अल्लाह सोने दे वाले।